आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दबाएं बेल आइकन और पाएं फ्री अपडेट्स सबसे पहले। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो एसएससी के प्रोटेस्ट के ऊपर मैं बना रहा हूँ। आप में से बहुत ज्यादा लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि जो एसएससी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बनाऊँ, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनको कहूँ कि वो भी वहाँ पर जाए, प्रोटेस्ट में जाए और स्टूडेंट्स की हेल्प करे। और आप लोग कह रहे थे कि मैं भी वहाँ पर पहुँचूँ। तो इस रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे व्यूज़ जो हैं उन चीज़ों के ऊपर, वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो सबसे पहली बात, अगर आपने कभी भी एग्जामिनेशन दिया है सरकारी, स्पेशली एसएससी के एग्जामिनेशन, तो आपको पता ही होगा कि एसएससी एक बहुत ही घटिया किस्म की संस्था है, और उसका एग्जामिनेशन देना, अगर पास भी कर जाते हो तो भी आपका नरक हो जाता है नौकरी तक पहुंचना। तो आपको पता ही होगा इतना कि यार वहां पे जाना, प्रोटेस्ट करना बिल्कुल सही है, और हम में से हर एक व्यक्ति को वहां पे जाना ही चाहिए। और जितने भी स्टूडेंट वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एकदम सही चीज पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके अलावा भी 10 चीजें हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, और यही सही मौका है जितने भी चीजें हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको वहां पे रखने का। तो बेसिकली मेन मुद्दा वहां का ये है कि एक पेपर लीक हुआ था एसएससी मेंस का, और उसके बाद ही ये चीजें उठने लगी कि वो जब पेपर लीक हुआ था उन सेंटर्स के एग्जामिनेशंस कैंसिल कर दिए गए। इसकी क्या गारंटी है कि बाकी जगह पे पेपर लीक नहीं हुए थे? क्या पता बस सामने नहीं आए, लीक वहां पे भी हुए होंगे, तो किसी को इस चीज के बारे में पता नहीं। अगर ऐसा एग्जामिनेशन में इतने आगे बढ़ने के बाद आप प्रीलिम्स पास कर चुके हो, मेंस में आ चुके हो, इसके बाद अगर इस टाइप की घटिया चीजें होंगे, सीट्स इतने कम है, 100-500 लोग भी चीटिंग करके आपकी सीट्स खा जाएंगे, तो आपको क्या फायदा यार, मेहनत करने का फायदा क्या हुआ? और जो पैसे लेकर के या फिर पेपर लीक करवा के जो लोग पेपर देने जाते हैं, एग्जामिनेशन देने जाते हैं, पास हो जाते हैं, वो लोग पास हो जाएंगे, और वो एक घटिया किस्म की हायरार्की बनेगी एक सरकारी डिपार्टमेंट में, और फिर लोग बोलेंगे कि ये देखो कितने घटिया लोग, जब वो घूस दे करके आया किसी नौकरी के अंदर, पैसा खिला के आया, तो वो वही काम वहां पर भी करेगा, वही गंद वहां पर भी मचाएगा। तो ये सब टोटली बहुत ही बेकार सिस्टम है, और एसएससी का हर एक प्रोसेस बहुत ही बकवास होता है। तो हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि उस प्रोटेस्ट के अंदर आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, आप सभी लोगों को वहां जाना चाहिए, जो भी दिल्ली एनसीआर के आसपास के एरिया के हैं पहुंच जाइए वहां पे। एड्रेस कहां पर पहुंचना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में मैं एड्रेस भी लिख दूंगा, और वहां संस्था का एसएससी का फोन नंबर भी दे दूंगा। मन करे तो फोन भी करो उनको और कहो कि ऐसे ऐसे हमको करना है, वैसे फोन उठाएंगे नहीं, कोई फायदा नहीं है। एड्रेस भी मैं दे दूंगा, आप वहां पर जाओ, जो स्टूडेंट्स हैं वहां पर संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी, लोगों की नजर में आएगा, उतना ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उतना ही ज्यादा इंपैक्टफुल होगा ये एसएससी के ऊपर, और तभी लोगों के नजर में भी आएगा। और रही बात मेरी कि मैं वहां पे आऊंगा कि नहीं, तो एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं उसके ऊपर। मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा एक, और यहां पे भी डिस्क्रिप्शन में भी हम आप कमेंट करो कौन लोग आना चाहते हैं, कौन लोग वहां पे मिलना चाहते हैं। तो डेफिनेटली हम तीनों जगहों पे डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, और अगर वहां पे सब सही रहा तो मैं भी 4 मार्च को या 5 मार्च को, सैटरडे या फिर मंडे में से एक बार जरूर आऊंगा। कमेंट करो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, कमेंट में भी बता दूंगा, या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको बता दूंगा, आप फॉलो कर सकते हो मेरे को वहां पे, वहां पर भी मैं आपको बता दूंगा कि मैं आ रहा हूं या फिर नहीं, और आऊंगा तो कब आऊंगा, टाइमिंग क्या होगी, मैं आपको वहां पे या फिर इस कमेंट में भी आपको जरूर बता दूंगा। तो जो लोग दूर रहते हैं या फिर जो लोग नहीं आ पाएंगे, वो भी इस आंदोलन में साथ आ सकते हैं। कैसे? सोशल मीडिया से, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सबसे ज्यादा फेसबुक और ट्विटर। मैं एक पोस्ट डाल दूंगा अपने फेसबुक अकाउंट पे और ट्विटर पे भी, आप अगर मुझको वहाँ फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो करके उस पोस्ट को भी शेयर कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और जितने भी ये पीएमओ हैं, जैसे @PMO लिखा होता है प्रधानमंत्री का जो ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर आपका स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर है उसको टैग कर दो, किसी मंत्री को, किसी MP को टैग कर दो, कोई कैबिनेट मिनिस्टर को आप टैग करते हो तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। उसके बाद आप HRD जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये मिनिस्ट्री है उसको आप टैग करो, जो उसके अंडर में आपका ये जितना भी एजुकेशन सिस्टम है वो रहता है, SSC को, इन सबको टैग करके उस पोस्ट को या तो शेयर करो, नहीं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कि हमको प्रॉब्लम हो रही है और आपको री एग्जामिनेशन लेना चाहिए, SSC के टोटल प्रोसेस को चेंज करना चाहिए, वहां पर अपने व्यूज को शेयर करो। अगर लाखों की संख्या में वहां पर लोग शेयर करेंगे, हजारों की संख्या में करेंगे, तो डेफिनेटली हम सबको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, इस कम्युनिटी को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और SSC का हर एक प्रोसेस बहुत ही बकवास होता है, उसको बाकी एग्जामिनेशन से चीजों को सीखना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन आज तक लगा नहीं पाया, रेलवे जैसी संस्था ने नॉर्मलाइजेशन लगा दिया, इनके बस का अभी तक ये नहीं रहा, कभी भी एग्जामिनेशन कैंसिल कर देते हैं, लेकिन आज जब स्टूडेंट्स कह रहे हैं एग्जामिनेशन कैंसिल कर दो तो इनके बस का नहीं हो रहा। 2015 की 16 में CPO के एग्जामिनेशन पूरे देश में हुए और पूरे देश में कैंसिल भी इन लोगों ने कर दिए।
ऐसे ही होता है इनका। अगर आपने एसएससी के एग्जामिनेशन में कभी लेट पहुंचोगे एग्जामिनेशन सेंटर में, तो आपको ये पता होगा कि वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर में कई बार सीट्स भी पूरी नहीं होती है। वो ये मान के चलते हैं कि जितने भी लोग आने वाले हैं उसके 70% ही लोग आएंगे। अगर ज़्यादा आ गए वहाँ पे तो एग्जामिनेशन सेंटर में सीट्स ही नहीं मिलने वाली आपको, और जो बच्चे बच जाते हैं वो फिर उनका दोबारा एडमिट कार्ड आता है, दोबारा एग्जामिनेशन उनके होते हैं। तो आप समझ सकते हो इस संस्था का कोई पैटर्न नहीं है, कोई भी चीज़ें नहीं है। ऊपर से ये एग्जाम की टफनेस भी कभी भी इंक्रीज डिक्रीज करते रहते हैं। अगर SBI PO को पैटर्न चेंज करना था तो उसने नोटिफिकेशन के अंदर निकाला और उन चीज़ों को चेंज किया, बट SSC कोई इसका भरोसा नहीं है। इसको सीखना चाहिए संस्था से, जैसे UPSC है। UPSC इतनी अच्छी संस्था है, इतना अच्छा उसका एग्जामिनेशन लेने का पैटर्न है, फिक्स है, जो चीज़ कहती है वो चीज़ करती है और उसी तरीके से इसका चीज़ चलता है। और IAS के लेवल का एग्जामिनेशन का ये 1.5 साल 2 साल लगते हैं UPSC के अंदर, और ये SSC जैसे एग्जामिनेशन के लिए इतना लंबा टाइम लगाते हैं। और जाकर के जब चीज़ें न्यूज़ में उठने लग गई तब जाकर के इनकी आंखें खुली और इन्होंने SSC CHSL के 2 साल 3 साल पहले जिनकी एग्जामिनेशन हुए थे और उनको 1.5 साल हो चुका, टोटल प्रोसेस से पास हुए पड़े, सब कुछ हुए उनका, 1.5 साल हो चुका और उनकी आज तक जॉइनिंग लेटर नहीं आया। और अब जाकर के जब न्यूज़ वगैरह में वो चीज़ें उछलने लगी, स्पेशली NDTV ने, तब जाकर के उनको होश आया और उन्होंने फिर उनका जॉइनिंग लेटर दिया, वो भी सबका नहीं, वो भी कुछ का। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ही हो रही हैं। वो सारे स्टूडेंट्स जो अपनी होली छोड़ करके वहाँ पे बैठे हुए हैं, इतना परेशानी झेल रहे हैं, इतनी चीज़ों को वो निकाल रहे हैं, उन टॉपिक्स को निकाल रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम सबके लिए, इस कम्युनिटी के लिए, स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए है। क्योंकि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है कि आप वोट बैंक नहीं हो, आप वोट बैंक नहीं हो, इसीलिए उसको ध्यान ही नहीं है आपके ऊपर। किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी फर्क नहीं पड़ता, किसी न्यूज चैनल ने भी इसको ठीक से नहीं चलाया। श्रीदेवी के डेथ के बारे में सब दिखा रहे हैं, पीछा कर रहे हैं उनका, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ उनको कोई हमदर्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि TRP नहीं है, TRP नहीं है, इसलिए वो दिखा भी नहीं रहे। एक NDTV ने ही दिखाया था, कुछ लोग बोल भी रहे थे NDTV रवीश का बहुत नाम ले रहे हो, यार मुझे कोई पैसे देता है क्या कि नाम लेने के लिए? जो चीज दिखती है, सामने दिखती है कि यार उस बंदे ने 21 एपिसोड चला दिए सरकारी नौकरी के ऊपर, तो डेफिनेटली वो हमारे बारे में सोचता है, हमारे बारे में काम करना चाहता है, भले वो उससे पैसे कमाना चाहता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनडायरेक्टली हमको फायदा मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को हमको हमेशा थैंक्स बोलना ही चाहिए। और डेफिनेटली मैं आप सबसे ये कहता हूं कि उस प्रोटेस्ट में आप लोग जरूर जाएं और आप सब कमेंट करो नीचे, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मैं एक पोस्ट डाल दूंगा वहां पर जाने के लिए, और उसके नीचे आप कमेंट करो, हम डिस्कशन करते हैं। अगर सही चीज हुआ तो मैं भी वहां पे संडे को या फिर मंडे को आऊंगा, संडे यानी 4 मार्च और या फिर 5 मार्च को, 4th या 5th मार्च को शायद मैं भी वहां पे आऊं। और अगर आप कमेंट करो, डिस्कशन करते हैं नीचे, और अगर चीजें सही रही तो मैं भी वहां पे जरूर आऊंगा। तो आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है आप कमेंट करके इस वीडियो में बता भी सकते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।